नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने कर्नाटक में एक नए चरण की शुरुआत की है। ये नया चरण या कदम वोट फ्रॉम होम का है। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने उम्रदराज मतदाताओं के लिए इस सुविधा का शुभारंभ किया है। चुनाव आयोग की घोषणा के हिसाब से कर्नाटक चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के लिए घर से वोट करने की सुविधा दी जा रही है और यह प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए चुनाव आयोग ने इस सुविधा की शुरुआत की है। आयोग की टीमें मताधिकार का प्रयोग कराने के लिए फॉर्म 12D के साथ 80 बार बुजुर्ग मतदाताओं के पास खुद जाएंगे। आइए बताएं कि ये वोटिंग प्रक्रिया कैसे होगी। वोट फ्रॉम होम प्रक्रिया के तहत कुल 5 सदस्यों की टीम मतदाताओं के घर जाएगी, जिनमें 2 मतदान अधिकारी, 1 सुरक्षा गार्ड और 1 वीडियोग्राफर भी होंगे। पोलिंग टीम घर घर जाकर मतदाता पहचान पत्र की जांच करेगी, उसके बाद गुप्त मतदान करने की अनुमति दी जाएगी। इस मतदान की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी रहे उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा वीडियोग्राफर के द्वारा। पोलिंग टीम किसी भी मतदाता के घर पूर्व में सूचना देकर जाएगी। मतदान कर्मचारी को पूर्व सूचना के साथ मतदाता के घर 2 बार जाने की अनुमति दी गई है। अगर कोई व्यक्ति पहली बार घर पर नहीं मिलता या किसी भी तरह की बाधा आती है तो मतदान कर्मचारी दूसरी बार जाएंगे। बता दें कि जो लोग फॉर्म 12D में घर से मतदान के लिए पंजीकरण कराते हैं उन्हें मतदान केंद्र पर आने और मतदान करने की अनुमति नहीं है। यही बात है दिव्यांग जनों के लिए। आपको बता दें कि वही चुनाव आयोग का कहना रहा कि दिव्यांग जनों के लिए सक्षम नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसमें वे लॉग इन कर सकते हैं और मतदान करने की सुविधा चुन सकते हैं। इसके अलावा एक अन्य मोबाइल एप्लीकेशन सुविधा विकसित की गई है जो उम्मीदवारों के लिए है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग की यह मुहिम गुजरात, त्रिपुरा, गोवा, मेघालय के विधानसभा चुनाव में ट्रायल के तौर पर पहले की जा चुकी है। कर्नाटक में औपचारिक अभियान में सफलता के बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में यह सुविधा जारी रहेगी। तो हाल फिलहाल में कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में मतदान होंगे और परिणाम 13 मई को घोषित किए जाएंगे। कर्नाटक प्रदेश में 80 साल से अधिक आयु के 12.15 लाख मतदाता हैं, वहीं 5.55 लाख विकलांग मतदाता हैं। ऐसे में ऐसे लोग इस सुविधा यानी वोट फ्रॉम होम का लाभ उठा सकते हैं। एक तरह से आयोग इस वोट फ्रॉम होम सुविधा के जरिए चुनाव प्रणाली पर लोगों का विश्वास और दृढ़ हो सके उसकी दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और खबर के लिए जुड़ी हमारे चैनल एनवर्ड, हमारे चैनल सोच से। नमस्कार।